पब्लिक, आज की इस वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके सिस्टम में 1 GB रैम है, ग्राफिक कार्ड भी नहीं है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, जी हाँ बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। इस एमुलेटर में आपको वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी की भी जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करते हो बेस्ट एमुलेटर फॉर 1 GB रैम, आपको वीडियोस देखने के लिए मिलती है। बहुत सारे एमुलेटर्स भी 1 GB रैम में मिल जाएंगे, मैं ऐसा ही कहता हूं, उसमें आपके एप्स नहीं चलते। ये जो एमुलेटर है ये फ्री फायर जैसे हैवी ऐप को चलाने के कंपेटिबल है। हैंग हो वो अलग बात है, ठीक है, हैंग हो वो अलग बात है, लेकिन चल जाता है ये एमुलेटर। इसी के साथ साथ इसके अंदर आपको हैवी वाली की मैपिंग देखने के मिलती है, आप हर बटन को अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड कर सकते हो। एंड ये जो वर्जन है ये यूट्यूब पे किसी ने नहीं आपको दिया होगा, क्योंकि मैंने पर्सनली यूज किया जब मेरे पास एक लैपटॉप होता था। आपको पता है कि भाई लैपटॉप बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, तो मैंने एक डुअल कोर का लैपटॉप लिया था सस्ते में, तो फिर उस पे मैं ये एमुलेटर इंस्टॉल करता था, क्योंकि भाई मुझे व्हाट्सएप की बड़ी जरूरत होती थी, तो व्हाट्सएप के लिए मैं इस एमुलेटर को बहुत ज्यादा यूज करता था, इस वर्जन को स्पेसिफिकली। तो मैंने इसको सेव करके रखा हुआ था, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे डाउनलोड करना है, वो भी बताऊंगा। तो इधर हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ये वर्जन है। आप इसको नोट भी कर सकते हो, अगर आप मैन्युअली डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो, वरना कमेंट सेक्शन में लिंक होगा। तो जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है। एक चीज बिल्कुल मेक श्योर करनी है कि आपके सिस्टम में ब्लूस्टैक्स का कोई भी वर्जन इंस्टॉल नहीं होना चाहिए। ये ब्लूस्टैक्स 3 है, आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये बिल्कुल ही चेंज है। इंस्टॉल होने के बाद आप इस चीज से खुद एग्री करने वाले हैं। तो यहाँ पे कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करें, कहाँ इंस्टॉल करना है आपसे पूछ रहा है, तो इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करें। ये एमुलेटर आपके डिस्क स्पेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा लोड डालता है, जिसकी वजह से आपकी स्पीड जो है कंप्यूटर की थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लेकिन अगर आपका मेन मोटिव ऐप चलाना है ना, तो आप इस वर्जन को यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, मुझसे बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं हमारा ब्लैक स्क्रीन, अबे भाई ड्राइवर्स अपडेट करो अपने सिस्टम के। ड्राइवर्स नामी भी कोई चीज होती है, चलिए मैं आपको आज दिखा ही देता हूं कि ड्राइवर्स कौन से आपके सिस्टम में आपको जरूरत पड़ती है। तो यहां पर ना मैं अपने कंट्रोल पैनल के अंदर जाके आपको दिखा देता हूं। ये देखें, आप गौर करें यहां पर ना, नीचे देखें, ये सारे आपको करने पड़ेंगे, इनके नाम नोट कर लें। ये ड्राइवर्स नहीं होते, ये वर्चुअल माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आते हैं। डायरेक्ट टेक्स के वर्जन को अपडेट करें आपने अपने सिस्टम में, नेट फ्रेमवर्क को भी अपडेटेड रखना है, ये चीज जरूर करें। अभी हमारा जो एमुलेटर है वो देख सकते हैं वेलकम स्क्रीन पर आ चुके हैं, डायरेक्ट ये चल जाएगा, किसी तरीके की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो अभी फिलहाल हम इसके अंदर अकाउंट लॉगिन करेंगे, जीमेल से आपने अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। तो सबसे पहले हम इंजन सेटिंग करेंगे, तो इंजन सेटिंग करने के लिए आपको ओपन जीएल पर ही इसमें जाना है। अगर आपका ब्लूस्टैक्स लोडिंग पर ही रह रहा है, मतलब यहाँ पर जो लोडिंग आती है उधर ही रह रहा है, तो आप डायरेक्ट टेक्स पर जा सकते हो। कोर आप 1 दे सकते हो, यहाँ पर खुद लिखा हुआ है कि 1 कोर सपोर्ट करता है। रैम को आपने नहीं छेड़ने, जैसा है वैसा रहने दे, ये सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके साथ रेजोल्यूशन के अंदर जाएं, ये जो रेजोल्यूशन है ना ये हर कंप्यूटर के लिए परफेक्ट चलती है। देखिए इसमें चल जाएगा आपका गेम, लेकिन लैग कर रहा है ना, तो लैग का सोल्यूशन है ये 800 600, ठीक है, ये भी चेंज हो गया। अब 800 के मुकाबले में इसने जो निकाल के दिया वो भी रख सकते हो, वरना 600 भी रख सकते हो। डीबे के मामले में यहाँ पर आपने यही वाली रखनी है, ठीक है, ये बेस्ट रहती है। वैसे एप्स डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर जितने भी एप्स दिए गए हैं उन्होंने, इन एप्स का मतलब ये है कि जो ये ऐप इधर देते हैं उनके अंदर की मैपिंग होती है। मैं इधर सर्च करूँ यहाँ पे फ्री फायर, अब देखें यहाँ पे मैंने जैसे फ्री फायर सर्च किया तो ये एप्लीकेशन हमें बता देगा कि देखें फ्री फायर इसमें है, फ्री फायर मैक्स है, सारे एप्स में सारे इसमें मिल जाते हैं। तो अभी फिलहाल हम करते हैं गूगल प्ले स्टोर में जाते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ऐप डाउनलोड, अच्छा फ्री फायर की आपको यहाँ पर इनबिल्ड की मैपिंग देखने के लिए मिलेगी। तो अभी हम कुछ एप्स को डाउनलोड करते हैं, तो आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिकली एपीके फाइल पड़ी है, लाइक यहाँ पर मेरे पास 2 गेम्स पड़े हुए हैं, मैं दोनों को सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। आपके पास जो भी गेम पड़ा है आप उसको इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे एप्स इंस्टॉल हो चुके हैं, रन करने से पहले अगर हम इसके एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 4.4 से अबव ही देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, अगर आप ऐप टेस्टिंग से देखेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 4.4 से अबव ही देखने के लिए मिलता है, क्योंकि फ्री फायर इसमें मक्खन चलता है, तो फ्री फायर चल रहा है मींस के एंड्रॉइड 4.4 से अपर ही है ये। यहाँ पर हमारे दोनों गेम्स इंस्टॉल है, लाइक अगर मैं सबवे सर्फ चलाऊं यार बहुत स्मूथ चलेगा, आप इसमें अपने एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं कुछ भी भाई जो काम करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैं सबवे सर्फ खेलने से पहले वो कह रहा है कि गूगल प्ले स्टोर को अपने अपडेट कर लें, यहाँ पर आप देख सकते हैं तभी आप सबवे सर्फ को खेल सकते हैं। तो जब तक ये गूगल प्ले स्टोर हमारा अपडेट होता है, अब तक हम अदर गेम को ट्राई कर लेते हैं, जिसमें के अंदर मैं आपको की मैपिंग भी बता दूंगा। तो यहाँ पर हम करते हैं इस गेम को लॉन्च कर लेते हैं, हमारा जो गेम है वो यहाँ पे चल चुके। की मैपिंग की बात करें तो कीबोर्ड के ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर सारे बटन आपको दिए गए हैं जो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहें। देखें अगर आप नॉर्मली बटन सेट करना चाहें इसके ऊपर क्लिक करके, अगर कोई भी बटन आप सेट करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी के साथ साथ यहाँ पे सारे मूवमेंट मिलते हैं। फ्री फायर के लिए आपको की मैपिंग भी करने की जरूरत नहीं, आपको इनबिल्ट मिलती है,
मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये फ्री फायर वाला बटन है, एडवांस गेम में मिलती है। यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, वो सारे बटन आपको इसमें मिल जाते हैं, माउस लॉक अनलॉक करने के लिए जो भी बटन है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब यहाँ पर मैं गेम भी भाई खेल नहीं रहा था उसकी वजह, क्योंकि आपको जस्ट चेक कराने चल तो गया हमारा गेम, ठीक है। अच्छा जी, तो भाइयों ये सबवे सर्फ का भी प्रूफ आप देख ले, ताकि ये ना बोलेंगे भाई वो चली नहीं थी तो इसलिए बंद कर दी। वो सबवे सर्फ अपडेट करने का मांग रहा था तो मैंने गूगल प्ले स्टोर को जो है वो बिल्कुल अपडेट कर दिया। उसके बाद हमारा ये देख सकते हैं सबवे सर्फ भी सक्सेसफुल ये देख सकते हैं चल चुका है, ठीक है। तो ये दिखाना जरूरी होता है क्योंकि हर टाइप की पब्लिक आती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर करें। जिस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, मैं उसका फिक्स भी बना दूंगा।